भाई मर्जी भाई, नेट मत करना भाई, आपका नेट बहुत ज्यादा चिपकता है भाई। ए डीजे गाना बजा, गाना बजा। लो कैश पकड़ो। से तुम पापी हो का पाप हूं मैं, शिलो भी देखे जितने तूने, सब का पाप हूं मैं। और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक वीडियो में। अब आज की वीडियो में रहने वाले हैं तीन गेम प्ले, तीन जॉर्ड लेवल गेम प्ले, जिनको देख के आप लोगों को बिल्कुल मजा सा आ जाएगा। और सबसे पहले तुम्हारे भाई का देखो बहुत ज्यादा दिमाग खराब चल रहा है, तुम लोग खुद देख रहे हो। इंट्रो तुम्हारा भाई नेक्स्ट लेवल बना रहा है, ठीक है। इंट्रो के लिए मैं किल्स अलग से निकाल के ला रहा हूँ, तुम्हारे लिए गेम प्ले अलग से निकाल के ला रहा हूँ। इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है अगला बंदा, लेकिन तुम लोगों पे एक लाइक नहीं हो पा रहा है भाई। मतलब तुम लोगों को मेहनत दिखाई नहीं देती क्या? हर चीज तुम्हारा भाई नेक्स्ट लेवल बना रहा है ताकि तुम लोगों को बिल्कुल मजा सा आ जाए देखने में, बोर ना हो सोलो का गेम प्ले। अब तुम लोगों ने खुद ही देखा होगा, तुम्हारा भाई सबसे ज्यादा अलग वीडियो बनाता है, मेरा अलग ही कंटेंट है बिल्कुल, ठीक है। तुम्हारा भाई मजे मजे में तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे देता है, मस्त एकदम गेम प्ले दिखाता हूँ, वॉइस ओवर से तुम्हें मस्त एंटरटेन करता हूँ, तुम बोर हो ही नहीं सकते, लेकिन तुम लोगों पे एक क्लिक नहीं हो पा रहा है। अब भाई सिंपल सी बात है यार, तुम लोगों को तो आते ही सिंपल सा लाइक कर देना चाहिए कि भाई अगला बंदा इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसके बाद मस्त वीडियो को एंजॉय करो, सिर्फ क्लिक ही तो करना है, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा आप लोगों पे। तो देखो सीधी सीधी सी बात है, आज की वीडियो का लाइक टारगेट रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 800 लाइक्स का। इंट्रो जॉर्ड लेवल बनाया है, अभी तीन गेम प्ले दिखाने वाले, तीनों जॉर्ड लेवल मस्त मस्त टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएंगे। अगर 800 लाइक कंप्लीट नहीं होते हैं तो कल से मैं इंट्रो हटा दूंगा, क्योंकि भाई मैं चूतिया नहीं हूं, इंट्रो के लिए अलग से गेम्स खेलूं, उसके किल्स इंट्रो में दिखाऊं, और उसको इंट्रो को एडिट करने में भी टाइम लगता है, और उसके बाद में कॉपीराइट भी खाऊं, और इतना सब होने के बाद में तुम लोगों पे एक क्लिक नहीं हो पा रहा। तो भाई हटा दो सिंपल सा इंट्रो, जब जैसे सबका चल रहा है वैसे अपन भी चला देंगे, हटाओ इंट्रो। बाकी आप बातचीत कर लीजिए अपने वीडियो की। तो देखो आज की वीडियो में तीन गेम प्ले रहने वाले, तीनों तुम्हारा एंड सर्कल के दिखाने वाला है कि एंड सर्कल में कैसे खेला जाता है। अब मैं तीनों गेम प्ले में ना स्टार्टिंग में जल्दी खेल गया था, ज्यादा किल्स नहीं थे, लेकिन एंड सर्कल में कैसे किल्स निकालना है, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे प्लस निकालना है, सब दिखाया जाएगा। लाइक थोड़ी करोगे भाई, नॉर्मल स्प्रे है ना, तुम लोगों को ये स्प्रे हर यूट्यूबर दिखा रहा होगा भाई। मतलब इतने ज्यादा जॉर्ड लेवल कार स्प्रे दिखाने के बाद में भी बंदों से लाइक के लिए ऐसे बार बार बोलना पड़ता है, समझ में नहीं आता क्या और करें मैं। अब ये जो हाथी आयन है इससे भी उतारना बहुत आसान बात है। अब किल चोरी हो गया, किल की ऐसी की तैसी, किल हटाओ, है ना। ये भी नॉर्मल स्प्रे था, हर कोई दे देता, वो भी एम असिस्ट ऑफ पे। मतलब भाई तुम्हारा भाई तुम्हें लिख के दे रहा है, मैं खड़े खड़े लॉबी की डैश डैश कर सकता हूँ अगर तुम लोग मुझे मोटिवेट रखो, लेकिन ना भाई कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो कोई फर्क ही नहीं है, बस मैं भी आके 8-10 मिनट की वीडियो बना दूं फालतू की। मजाक से हटके मेरी बुद्धि खराब हो रही है कि भाई एकदम बेस्ट कंटेंट देने के बाद में भी इन लोगों से एक क्लिक नहीं हो पा रहा है। तुम मेरे को आज फिर यही बता दो कमी किस चीज के वीडियो में, तुम्हारा भाई वो भी हटा देगा, जाओ तुम्हारी सुन लेते हैं, बता दो आज। बाकी सब बताओ, अब देखो बातचीत कर लीजिए अपने गेम प्ले की। तो तुम्हारा भी काफी कम किल्स के साथ में आया था, और अपने अच्छे खासे 5 किल हो गए थे, और अपने पास में एमओ की कमी थी, वरना मैं और भी किल्स निकाल सकता था। उसके बाद वो सीन देखो, अब मुझे मालूम ही नहीं था ये भाई साहब पहले से स्कोप खोल के बैठे, तो धर लिए जाते। बाकी देखो बहुत ही कम किल्स थे, बहुत ही ज्यादा सेफ खेला एकदम आराम से, लेकिन फिर भी प्लस देखो अच्छा खासा मिल गया था। अभी देखो अभी बातचीत कर लीजिए अपने सेकंड गेम प्ले की। तो इस वाले मैच में भी देख ही सकते हो, बस एक किल के साथ में तुम्हारे भाई ने एंट्री ली है। अभी एंड तक देखते जाना टोटल कितने किल्स निकाले जाएंगे। क्राउन टियर पे ना आप लोगों को ऐसे ही खेलना है, प्लस अच्छा खासा मिल जाएगा। मेन टॉप 10 कर लो, उसके बाद फाइट लो, या फिर लास्ट में फाइट लो पोजीशन होल्ड करने के बाद। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एक बंदे पे पुश कर दिया था फाइट वाइट लेने के लिए, तो अब यहाँ पे फाइट देखो। और बाकी देखो अब से आप लोगों को एस पे कॉन्करर नहीं मिलेगा, 4 दिन तक एस पे कॉन्करर मिलता है, आज एस से थोड़ा सा ऊपर जाएगा पॉइंट। तो आज का आपका कॉन्करर के लिए पॉइंट्स रहेगा 4250। लो कैच पकड़ो।
मतलब भैया गेम सेंस, साउंड सेंस, डीबीएस, कार स्प्रे, फलाना ढिमकाना और तो और बकवास सब कुछ इतने ज्यादा बढ़िया करता तुम्हारा भाई, लेकिन तुम लोगों पे लाइक ना होता। कोई बात नहीं यार, सह लेंगे थोड़ा सा। बाकी देखो आज का कांग्रेस पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर बता दिया है। एस लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा प्लस कर लो, एकदम आराम से कांग्रेस मिल जाएगा। और डेली का अभी के टाइम पे ना 110-120 पॉइंट्स तक डेली बढ़ेगा, उससे टेंशन नहीं लेनी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बाकी डेली कितने पे कांग्रेस मिलेगा वो तुम्हारा भाई डेली वीडियोज में बता दिया करेगा, तो डेली वीडियो देख लो तुम्हारा मन करे तो, है ना, क्योंकि बोलने पे तो तुम कुछ करने वाले नहीं हो। अब देख सकते हो तुम्हारा भाई बिल्कुल सेफ खेल रहा है ना, लास्ट जोन में आके किल्स निकाल रहे हो, और अब अपने पास में हीलिंग विलिंग कुछ भी नहीं है क्योंकि एक बंदे से काफी लंबी फाइट चली थी। अब 1 HP पे तुम्हारा भाई एकदम आराम से सर्वाइव करता है, और इस वाले मैच में तुम्हारा भाई ने जो किल्स की मतलब लाइन लगाई है चिकन भी होता अपना, लेकिन बस हल्की फुल्की सी दिक्कत हो गई एंड में, अभी देखते जाओ अभी तो और किल्स निकाले जाएंगे। और बाकी काफी सारे बंदे ये चीज बोल रहे थे कि भाई तुम टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देते, भाई तुम मतलब यार तुम तो फिर ऐसे कर चुके कॉन्कर, क्योंकि भाई थ्योरी से ना प्रैक्टिकल ज्यादा आसान होता है, तो प्रैक्टिकल तुम्हें दिखा रहा हो कि कैसे सर्वाइव करना होता है, कैसे फाइट्स निकालनी होती है, तुम्हारा भाई कितना आराम से फाइट्स निकाल रहे, इन्हें देख के सीखो ना। मैं बस खेलता एकदम मजे में, है ना, मैं डिमोटिवेट हो जाता फिर मैं घुस घुस के मारता हूं, मर मरा जाता हूं, तो वो गेम प्ले हो जाते मेरे खराब। और तुम्हारा भाई ज्यादा सीरियस खेलता नहीं है, स्मोक मैंने इसलिए करा क्योंकि मैं 1 HP था, अगर 1 HP ना होता तुम्हारा भाई यहाँ पे घंटा स्मोक करता। नॉर्मल है भाई, नॉर्मल स्प्रे, इसके लिए थोड़ी लाइक करोगे, कोई भी मार देता है ये तो, है ना, कल तुमने फोन उठाया आज ऐसे स्प्रे लगने लग गए, हाँ नॉर्मल चीज है भाई, कोई भी मार देता है, इसके लिए क्यों लाइक करोगे, कोई भी दिखा देगा तुम्हें ये स्प्रे तो। अब तुम्हारा भाई तुम्हें ये दिखा रहा है कि एकदम बढ़िया घुस घुस के मार रहे हैं, है ना, उसके बाद में फाइट्स भी दिखा रहे हैं, और कहाँ पे तुम्हारा भाई कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स लगाता है वो भी बताता है, पूरा गेम प्ले समझाता हूँ कि कहाँ कैसे फाइट्स निकालनी चाहिए, लेकिन वो समझ में थोड़ी आ रहा तुम्हें। और आज के ये तुम जितने भी गेम प्ले देख रहे हो ना, ये मेरे ही सेंसिटिविटी चेंज करने के बाद क्या, आज सुबह सुबह तुम्हारे भाई ने सेंसिटिविटी चेंज कर दी, मेरा जब दिमाग खराब होता भाई मैं अलग ही चलता फिर। अब यहाँ पर सही बता रहा हूँ, साउंड मेरे को समझ में नहीं आया कि ये बंदा अंधा घुसता चला रहा है, नेड़ वेड़ फट रहे थे, वरना तुम्हारा भाई पेट ही नहीं लूटना, इतना भी बेशरम नहीं हूं मैं। अब उस मैच में भी बस 6-7 किल निकाले, आराम से टॉप 10 करा, देख ही सकते हो 29 का प्लस मिल गया। अभी बातचीत कर लीजिए अपने थर्ड गेम प्ले की, तो इस वाले में भी देख सकते हो बस 1 किल है भाई, एंड सर्कल में किल्स निकाल सकते हो अगर थोड़ा बस पोजीशन को होल्ड करके खेलो। अब ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें देख के सीखनी होती है। अब तुमने यहाँ पे देखा होगा, अगर नोटिस करा होगा, मैं आधे किलोमीटर दूर से ही गाड़ी को लहराते हुए आ रहा था, क्योंकि कोई भी बंदा कहीं पे भी ब्रिज कैंप कर सकता है, तो मैं मस्त गाड़ी लहराता हुआ आ रहा एकदम आराम से। अब देखो मेरे में चूल एकदम कूट कूट के भरी पड़ी है, मैं जानबूझ के ये वाले गेम प्लेस ना बिल्कुल सेफ खेल रहा था कि किल्स अगर इवेंट में नहीं हो पाए तो लास्ट जोन में किल्स कैसे निकालने, इसलिए मैंने किसी से फाइट ली नहीं, लेकिन भाई मैं कंट्रोल कर ही नहीं पाता। अब देखो यहाँ इन भाई साहब ने स्प्रे लिया था अपने ऊपर, अब भैया या तो तुम रहोगे मैच में या मैं रहूंगा, बस सिंपल सी बात खत्म। और मेरी इन बातों पर बहुत से बंदे भाई मेरे में भी यही चूल बहुत है, मैं फाइट ले लेता हूं फिर मैं मर जाता हूं माइनस हो जाता है, तो भाई तो या तो तुम रो मत माइनस पे, है ना, या फिर तुम अपनी चुल सुधार लो। अब भाई मेरे में चुल है तो मैं क्या कहते माइनस पे थोड़ी रोता हूं, मेरा माइनस होता है मैं रोता ही नहीं माइनस पे भाई, क्योंकि मेरी चुल है मिट गई। तुम्हें चुल भी है फाइट लेने की, और उसके बाद अगर तुम ठिल जाओ तो तुम्हें रोना भी है कि मेरा माइनस हो गया, तो ऐसे थोड़ी चलता है, या तो रोना छोड़ दो या फिर चुल छोड़ दो। अब मैंने चुले नहीं छोड़ रखी, मैंने रोना छोड़ रखा है ना, मैं भैया मेरे में भयंकर लेवल की चुल है, तुम्हारा घुस के मारता। कुछ भी कहो, खौफ तो है तुम्हारे भाई का, मतलब भाई वो बंदा वहीं से बग्गी घुमा के चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी देखो अब जो आएंगे उन्हें उतारा जाएगा। अब ये बंदा मुश्किल से 1 HP बचा है, उसको 2 हेड और 2 बॉडी शॉट प्रॉपर पड़े हैं, ठीक है। अब कोई सा बोलेगा कि हाथी को मारा भाई, साउंड नहीं आता हाथी पे गोली लगने पे, ठीक है। अब बंदे ने इतना भयंकर लेवल का टर्न लिया, उसके बाद भी नॉक दिया एकदम आराम से, तो भैया नॉर्मल स्प्रे है, चलो ठीक है, ये वाला तो और ज्यादा, ये तुम्हारे हिसाब से बच्चों वाला स्प्रे था, है ना, क्योंकि जो मैं चलती गाड़ी से उतारता हूँ वो तुम्हारे लिए नॉर्मल स्प्रे है। Yeah.
अब इन भैया जी को भी एकदम आराम से धर लिया था। इन भैया जी को निपटाने के बाद अपने अच्छे खासे 3 किलो हो गए, तो उसके बाद में वापस चलते हैं अपना वही ब्रिज कैंप करने। अब इन भैया जी को निपटाने के बाद अपने अच्छे खासे 4 किल हो जाते हैं। अब यही चीज समझा समझा के थक गया कि मेन पोजीशन के लिए जाओ, किल्स के पीछे मत जाओ। किल अगर सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 भी है ना, अच्छा खासा प्लस मिल जाता है। अब यहाँ से देखो तुम्हारा भाई निकलने का ट्राई करता है। अब इसके बाद में डेथ जोन है ना, अपने को जोन में जाना ही पड़ेगा। और अपने को हाथी का साउंड आ गया तो, और हाथी से उतारना तो आम बात है, मतलब भाई एम असिस्ट ऑफ पे इतना प्यारा उतार रहा हूँ लेकिन इन लोगों पे लाइक नहीं होगा भाई, क्या ही बोले यार। बाकी अपन रोटेशन लेके एकदम आराम से जोन के अंदर पहुंच जाते हैं। और तुम्हारा भाई अभी भी देख सकते हो जोन के एज पे होल्ड करने के लिए आया, क्यों? क्योंकि तुम्हें दिखाना था ऐसे खेला जाता है जब तुम लोगों को सेफ खेलना होता है ना लास्ट जोन में केस निकालने के लिए, वरना मैं तो अब तक खेल चुका होता कहीं ना कहीं जाके, वरना अच्छे खासे किल कर चुका होता। यही दो काम होते हैं। अब ये भाई साहब को धर धरा के अपने अच्छे खासे 6 किलो हो गए, तो उसके बाद में ये जगह बिल्कुल हल्की सी जोन के बाहर थी, तो तुरंत जोन में निकलते हैं। अब देखो जोन के अंदर कहाँ पे जाके पोजीशन निकाली जाएगी। अब टॉप 10 तो अपना हो ही चुका है। अब मैं उधर की साइड भी होल्ड कर सकता था लेकिन मेरे में चुल है, जो मेरे पे फायर लेता है मैं उसी पर जाता हूँ डायरेक्ट। अब ये भाई साहब को भी एकदम प्यारा वापस से धर लिया था। और बाकी आज की वीडियो में तुमने देखा ही होगा मैं ज्यादातर चिल्लाया ही हूँ क्योंकि भाई मेरा आज दिमाग खराब है। तो अगर कल से तुम्हें लाइक करने का मन हो तो खुद ही कर देना, बाकी तो देखा जाएगा इंट्रो आएगा कि नहीं आएगा आज की वीडियो के हिसाब से, क्योंकि जब तुम्हारी मेहनत के हिसाब से लाइक नहीं बढ़ रहे तो लाइक के हिसाब से मेहनत कम कर दो, सिंपल सी बात चीत है। मैं फालतू का क्यों ज्यादा गेम खेलूं, है ना, वैसे ही लोड पड़ता है, ये बेकार से गेम होता जा रहा है। और ये होता है ये स्पॉटिंग और ये होता है गेम सेंस। जैसे मुझे बीआरडी में स्पॉट हुई मुझे मालूम था कहीं ना कहीं से स्प्रे आएगा, तो तुरंत उठ के निकल लिया मैं। लेकिन भाई तुम यहाँ पे ठिल जाते फिर बोलते हो कि भाई हम लास्ट जोन सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो भाई देखना पड़ता है ना अगला बंदा कर क्या रहा है। बाकी देखो अपनी वीडियोस तो डेली 7 बजे आती है, अगर हल्का फुल्का सा सपोर्ट करने का मन हो तो कल से ना एग्जैक्ट 7 बजे आके वीडियो देख लेना, ताकि हल्की फुल्की सी रीच बढ़ जाए। एक आधे दोस्त को शेयर कर देना क्योंकि चैनल के घोड़े लगे पड़े हैं, आप लोगों जैसे बंदे लाइक नहीं कर रहे। बाकी तो आज 3 गेम प्ले दिखाए हैं, क्राउन पे तीनों पे अच्छा खासा प्लस मिला है ना, तो एकदम अच्छे से खेलोगे लास्ट जोन में किल्स निकाल सकते हो, पोजीशन के लिए खेलो, यही टिप्स है मेन। बाकी गेम प्ले देख के सीखना होता है, ये बता बता के तुम कुछ नहीं सीखने वाले हो। बाकी आप लोगों का रैंक और टियर क्या चल रहा है वो कमेंट में बता देना, मेरा अभी दिखा दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्याम सर्वाइव को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब यहां पर मुझे लगा कि हल्का फुल्का रिच का कवर होगा लेकिन अपन बिना मतलब ही ठेल दिए गए, बिना फाइट लिए, तो कोई बात नहीं, अच्छा हमारा बंदे ने। उसके बाद ये बस ये हरकतें बेकार लगती है, ये चाह रहा था कि मैं रिवाइव हो जाऊं उसके बाद, भले मुझे लगा सब्सक्राइबर है। बाकी इस मैच का भी प्लस देख लो, लाइक टारगेट 800 का रहने वाला है, बाकी तुम्हारी मर्जी।